यही चूतिया लोग पता है फ्री फायर की माँ की चूत करते हैं। अब देखो एक बंदे का वीडियो देख के, एक बंदा क्या सुअर भाई गेमिंग का वीडियो देखते ना, वीडियो देख के ये तो पता चल गया है ना वो ना भी सुपरस्टार है। अपना देखो इसे ढंग से मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। शिवा तेरे को कैसा लग रहा है, तेरे को पता है ना बहुत बड़ी गलत फहमी है, तेरे को लगता है जो भी करता हूँ ना वो बहुत सही करता हूँ। सच में ना ही ट्रोल का मतलब पता है ना ही रोस्ट का मतलब पता है, तेरे को ना कुछ नहीं पता है ना, ये सब चीजें बाद में रियलाइज करेगा। आज से ना 7 महीने 1 साल बाद में ना यही वीडियोस को फिर से देखना, ना सब पता चल जाएगा कि मैं कितना चूतिया था वो टाइम पे। जैसे जो थोड़ा बहुत अपन का था वो भी तूने ना खत्म कर दिया है अपने चूतियापे से। देख शिवा तू ना सेल्फ अवेयर नहीं है, जिस दिन ना तू सेल्फ अवेयर हो जाएगा उस दिन तुझे खुद रियलाइज होगा कि करते रहे जो कर रहा है और वॉट और वॉट कम्युनिटी क्या मरवाता रहता है बे। पागल M10 भी ना इसके चक्कर में जरूर जुड़ेगा। पागल सुर्खियों से जल्दी गायब होने में टाइम नहीं लगता। वैसे चलो इन लोगों को साइड में रखते हैं। स्वागत है मित्रों तुम्हारा आज अपने एक और नए वीडियो में। वैसे कम्युनिटी में कभी भी लफड़ा होता है ना सबसे ज्यादा खुशी ना मेरे को होती है। इस बार ना लफड़ा हुआ है ज्ञान का, ज्ञान गेमिंग वन ऑफ माय फेवरेट क्रिएटर। ज्ञान भाई तुम्हारे मुंह से गाली भी बढ़िया लगती है। तो मित्रों चलो अभी थोड़ा न्यूज वालों का काम करते हैं, क्योंकि कुछ महीनों से न्यूज वालों में और हमारे में काफी ना सिमिलैरिटीज आ चुकी है। न्यूज वाले ना आजकल अपन को बहुत कॉपी कर रहे हैं। कम्युनिटी में ना इन्हें के पास कभी कॉन्टेंट की कमी नहीं होती। अभी हुआ क्या है ना कि ज्ञान भाई का लफड़ा हो चुका है। ज्ञान भाई का लफड़ा हो और उसमें ज्ञान भाई का गालियों का कंपाइलेशन ना हो ऐसा हो सकता है। देखो ये लफड़े में ना बहुत लोगों को बहुत गलत फहमी है। चलो कुछ लोगों की गलत फहमियां दूर कर दे। पहले ना मैं तुम सभी को सीन बताता हूँ कि हुआ क्या था। तो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसका नाम था क्रिएटर्स क्लैश। सारे यूट्यूबर्स थे, ऑब्वियसली क्रिएटर्स है। तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था टोटल गेमिंग और लोगों ने मिलकर, तो ये कोलैब टाइप का टूर्नामेंट था। देखो ऐसे टूर्नामेंट्स में अक्सर लफड़े होते रहते हैं। अज्जू भाई की टीम जहाँ रहती है ना तो अक्सर लफड़े होते रहते। फौजी भाई इस बार चश्मा पहन के मत आना। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था जहाँ विभिन्न विभिन्न यूट्यूबर्स थे और भैया कुछ ई स्पोर्ट्स टीम थी। पूरा टूर्नामेंट में सिर्फ इन्विटेशनल टीमों को बुलाया गया था, बोल सकते हो ओनली फॉर VIPs वाला सीन था। ये टूर्नामेंट के कुछ रूल्स थे जो कि होते हैं हर टूर्नामेंट में होते हैं, और इस टूर्नामेंट में भी था। और इसमें कुछ ऐसा रूल था कि जो भी यूट्यूबर्स खेल रहे हैं टूर्नामेंट का स्ट्रीम करना था, आधा ही टूर्नामेंट का स्ट्रीम करना था, बाकी लोगों पे दिखाना था। बाद में हुआ क्या, ये चीज को ज्ञान भाई ने नहीं किया, इसके कारण ज्ञान के टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया टोटल गेमिंग के द्वारा। ऐसा ज्ञान भाई का कहना है, चीज पे गुस्सा होके ज्ञान भाई ने जो गाली दी इतनी बढ़िया गाली दी कि सुन के मजा आ गया। ज्ञान भाई देखो अगर तुम मेरे पे गुस्सा हो ना तो मेरे को प्लीज अपने मन से गाली दो। तुम्हारे मुंह से ना गाली सुनने बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है तुम गाली नहीं देते हो, तुम लगता है पोयम बोलते हो। डिस्क्वालीफाई होने के बाद ज्ञान ने भर भर के गाली दिया। कसम से यार टूर्नामेंट क्या होता है भाई यार, जो सब खेलेगा जो बड़े होते हैं बेंचेस उसकी बात सुनेगा लौरे, और हम जो है ना हम झट के बात। बहुत ही ज्यादा गाली दिया। देखो अगर ज्ञान की गाली को कोई सीरियस लेता है वो सिचुएशन पे तो भाई तुमसे बड़ा कोई गधा नहीं। मेरे को ना जहां तक लगता है अगर ज्ञान को पता रहता ये लिंक का सीन है, इसको दान लाए वगैरह वगैरह, तो ज्ञान फॉर श्योर ये चीज नहीं करता। ज्ञान को शायद ये चीज बाद में बताया गया मिडल ऑफ द टूर्नामेंट या दो स्ट्रीम के बाद, शायद बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होगी। मान के चलो अगर तुम एक यूट्यूबर हो, तुम्हें कोई इनवाइटेड स्लॉट मिल रहा है, इन रिटर्न वो लोग भी कुछ लेते जरूर है। तुम्हारे इंस्टा स्टोरी पे एक स्वाइपर, कम्युनिटी पोस्ट, एक वीडियो में इंटीग्रेशन या फिर स्ट्रीम। और यही एक रीजन है अक्सर यूट्यूबर्स स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेलते, टूर्नामेंट्स क्यों नहीं खेलते, और ना अपन के भी ई स्पोर्ट्स टीम को टूर्नामेंट्स एंड ई स्पोर्ट्स ना खेलने का यही रीजन था। जो दिन में 5-5 स्वाइप अप डालना पड़ता इतना था तो भैया हफ्ते भर में स्टोरी भी नहीं जाता था। सच में वो चीज ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। अगर तुम्हारा कोई भी यूट्यूबर तुम्हें ये सब स्टोरीज डालते हुए दिखता है यही रीजन के कारण डालते हैं। टूर्नामेंट्स में ना अक्सर लफड़े होते हैं ज्यादातर मैनेजमेंट टीम की वजह से, और इनके ही कारण यूट्यूबर्स झगड़ लेते हैं। लेकिन कुछ भी बोलो ज्ञान का गुस्सा अपन ने देख लिया। कुछ कुछ बातें ना ज्ञान ने बिल्कुल ठीक कही है। यहाँ पे ना नंबर ज्यादा रहता है, उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती और है। ये तो भाई बरसों से चला आ रहा है। ये छोटी छोटी बातों को सीरियस मत लिया करो। ई स्पोर्ट्स छोड़ दो, मुक्त हो जाओ यहाँ से, कुछ नहीं रहा यहाँ के ई स्पोर्ट्स में। टाइम था जो यहाँ पे ई स्पोर्ट्स का क्रेज था, ऐसा क्रेज ना अभी के टाइम पे झाड़ बराबर भी नहीं। पहले ना फ्री फायर के ई स्पोर्ट्स की बात ही अलग। तुमने ये चीज भी नोटिस किया होगा Game.TV के जब से टूर्नामेंट्स बंद हुए ना ये चीज ना तब से हो रहा है। उनका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा था, टूर्नामेंट कराने का तरीका बहुत अलग था, और भाई वो यूट्यूबर्स की बहुत सुनते थे भाई, कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं। वीकली 2-2 लाख के टूर्नामेंट मजा आ जाता था। और ना एक बात तुम सभी को नहीं पता होगा, अब क्या हो रहा है ना हर चौथा बंदा आके टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। छोटे मोटे टूर्नामेंट्स होते हैं ना, अंडरडॉग टीम्स खेलती है ये छोटे टूर्नामेंट्स, लिटरली ये ऑर्गेनाइजर अपना इंस्टा फॉलो करवाते हैं, अपना पोस्ट लाइक करवाते हैं, सर्वर ज्वाइन करवाते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन होता है। तुमने किया या नहीं किया उसका स्क्रीनशॉट मांगते हैं। देखो जितने भी लोग देख रहे हैं ना यही बात पे ना, ज्ञान भाई का सबसे फेवरेट पार्ट तुम्हें कौन सा लगा? मेरे को तो पहले ज्ञान भाई का ये पसंद आता था, इस बार जो मेरे को सबसे बढ़िया लगा है वो है
ज्ञान ने ना बात भी बढ़िया कहा। नहीं, हम तो झटके वाले। तुम लोग बताओ कि तुम्हारी फेवरेट गाली कौन सी है ज्ञान भाई के मुंह से निकली हुई, और ना शायद तुम लोगों ने फिर से पिछला वीडियो नहीं देखा। नहीं भाई यार, क्यों डिमोटिवेट कर रहे हो? वैसे ही कम्युनिटी के लौड़े लगे पड़े हैं, तुम लोग ऐसा सपोर्ट दिखा के निराश कर रहे हो। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो भाई। और सेकंड चैनल पे ना अपन ने टिकटॉकर के ऊपर चर्चा किया, पहले टिकटॉकर ने हमारे पे किया, फिर अपन ने उस पे किया, भी जाके देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। यार इंस्टाग्राम पे तो बोल के थक गया, जाके कर दो ना भाई फॉलो, कितने बार बुलवाओगे? दया दिखाओ, जाके फॉलो कर दो। ऐसे ही इंस्टाग्राम के ग्लिच के चक्कर में थोड़े कम हो गए, जाओ वहाँ पे फॉलो करो। बस ज्ञान भाई की एक मस्त सी गाली के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आज के ये वीडियो में इतना ही, इसे लेते हैं विदा। सो दिस वाज क्लैशर साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बंद करो चुदिया पा।